जॉब मार्केट से इन दिनों अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, चाहे इंडियन कंपनीज हो या फिर ग्लोबल कंपनीज। पिछले कई दिनों से हम लगातार लेऑफ्स की खबरें सुन रहे हैं। ट्विटर ने जहां 50% स्टाफ को कम कर दिया है, तो वहीं मेटा ने 11,000 एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया है। इसके अलावा अमेजोन ने भी अब 10,000 कर्मचारियों को कम करने की तैयारी कर ली है। अगर इंडियन स्टार्टअप्स की हम लोग बात करें, तो बायजूस, अनअकैडमी समेत कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने लेऑफ्स किए हैं। हजारों कर्मचारी इस लेऑफ से इफेक्ट हुए हैं और बेरोजगार हो गए हैं। रिसेशन का दौर चल रहा है, ऐसे में लेऑफ से इंपैक्टेड एम्प्लॉयज को पता नहीं कितना वक्त लगे दूसरी नौकरी पाने में। तो जरूरी है कि जब तक नई नौकरी नहीं मिलती, आप अपने फाइनेंसेस को इस तरह से मैनेज करें ताकि आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जॉब का ना होना किसी को भी मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली परेशान कर देता है। ऐसे में ये वक्त मुश्किल है, इसलिए सोच समझ कर ही कोई भी आप फैसला ले। सबसे पहले है इसमें अपनी स्पेंडिंग्स को डिटरमिन करना। अपनी डेली स्पेंडिंग्स का आप ध्यान रखें। हम अक्सर बड़े बड़े खर्चों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर जो खर्च होता है उस पर हम लोग खासा ध्यान नहीं देते। जैसे अगर खाना खाने बाहर चले गए, या फिर वीकली ग्रोसरीज का कितना क्या खर्च है। तो अभी जो ये वक्त है, आपको अपनी डेली स्पेंडिंग्स पर भी ध्यान देना होगा, बड़े बड़े खर्चों के साथ साथ। चेक करें कि कहाँ एक्सपेंसेस आप कट कर सकते हैं। देखिए, आपको लेऑफ का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपकी कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही थी। इससे आपको भी सीखना चाहिए कि कैसे आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकते हैं। जैसे आप ड्रिंक या डिनर के लिए एक्सपेंसिव होटल्स में जाते हैं, इसको आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने महंगे जिम की मेंबरशिप प्लान की है, तो इसमें आप थोड़ी सी कटौती कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप एक बजट प्लान कर सकते हैं, कैसे आपको थोड़े जो आपके महंगे खर्चे हैं उनको कम करना है, और थोड़ा सा इस वक्त आपको सस्ते से काम चलाना पड़ेगा। अपनी जो मेजर परचेज हैं उनको आप फिलहाल के लिए अवॉइड कर दें। मान लीजिए अगर आप कार या कोई भी मेजर परचेज प्लान कर रहे हैं, तो अभी ये सही वक्त नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ भी परचेज ना करें जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। नेक्स्ट है इसमें इमरजेंसी फंड। अपने फंड को इस तरह से मैनेज करें जिससे आप 6-7 महीने बिता सके। यानी कि मान लीजिए इस महीने आपकी जॉब चली गई है, तो खुद को ऐसे आप प्लान कीजिए ताकि नेक्स्ट 6-7 मंथ्स आपको परेशानी ना हो। जो ये इमरजेंसी फंड वाली सिचुएशन है, ये हर दूसरे व्यक्ति पे अप्लाई होती है कि हमें हमेशा अपना इमरजेंसी फंड बनाकर चलना चाहिए ताकि हम कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर रह सकें। नेक्स्ट है इसमें पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड कर्ज से आप लोग बचें। कुछ समय के लिए पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड कर्ज से आपको बचना चाहिए। कुछ वक्त के लिए परेशानी में आपको ये सही लग सकता है, लेकिन चूंकि पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इसलिए आपको फ्यूचर में परेशानी आ सकती है। इसलिए किसी भी तरह के डेट से आपको बचना चाहिए। आपने सुना ही होगा, जितनी चादर हो उतने ही आप अपने पैर फैलाइएगा। अगला है इसमें पार्ट टाइम जॉब। जब तक आपको दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक के लिए आप फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम जॉब को कंसिडर कर सकते हैं। इससे एटलीस्ट थोड़ा सा आपकी इनकम मैनेज हो जाएगी। छोटी कंपनी या स्टार्टअप से आपको बचना चाहिए। अब मान लीजिए आपको दूसरी जॉब मिल रही है, तो आपकी दूसरी जॉब का फैसला भी आपको सोच समझ कर लेना होगा। किसी भी छोटी कंपनी या स्टार्टअप में दूसरी जॉब एक्सेप्ट करने से पहले याद रखें कि ऐसी कंपनीज बड़ी कंपनीज के मुकाबले कम सिक्योर होती हैं। रिसेशन की जब मार पड़ती है, तो सबसे पहले इन्हीं कंपनी से ले ऑफ होता है। इसीलिए सोच समझ कर फैसला लें। अब आता है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस। नौकरी जाने के बाद अब अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं है, तो एक अच्छा और सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस आप ज़रूर ले लीजिए। ज़्यादा प्रीमियम वाले हेल्थ इंश्योरेंस को आप अवॉइड कीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ताकि कोई भी अगर हेल्थ इमरजेंसी आपकी फैमिली या आपके ऊपर आती है, तो आपके फाइनेंसिस पर ज़्यादा भार नहीं आएगा। अब लास्ट में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। लेऑफ के बाद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से बचें। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आप इस वक्त ना करें। जिसकी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी है, उसमें ही आप इन्वेस्ट करें। यानी कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या कोई भी हो जिसको आप अच्छे से समझते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा। वरना आजकल बैंक की फिक्स डिपॉजिट में आप निवेश कर सकते हैं। आजकल बैंक्स अच्छा रिटर्न भी ऑफर कर रहे हैं। करीब 7-7.5% तक का ऑफर आजकल बैंक कर रहे हैं। इसके अलावा रिसेशन या इन्फ्लेशन में गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लास्ट जो मेरा आपको सजेशन रहेगा, वो ये रहेगा कि आप ऐसे में कोई स्टार्टअप भी अपना प्लान कर सकते हैं। कहते हैं ना, आपदा में अवसर को तलाश करना, तो आप कोई स्टार्टअप प्लान कर सकते हैं। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।